PSL का छठा एडिशन हुआ कोरोना वायरस का शिकार। नेशनल स्टेडियम में छा गए सन्नाटे। PCB के CEO वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया 6 खिलाड़ियों और एक कोचिंग स्टाफ के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में जो बायो सिक्योर बबल बनाया गया था उसकी खिलाफ वर्जी भी की गई थी और ये खिलाफ वर्जी पिशावर जलमी के कप्तान वहाब रियाज और कोच डेरन समी की जानिब से की गई थी। इसके बाईस उन्हें क्वारंटाइन का सामना भी करना पड़ा था। जब यही सवाल सहाफ़ी ने वसीम खान साहब से किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, जबकि उनके बदले जवाब समी साहब ने दिया। आइए सुनते हैं समी साहब डायरेक्टर ऑफ मीडिया ने क्या जवाब दिया था। We were looking to make this work. So all of those things, we don't know whether anything was picked up by the Gulf, but what I will say is that, you know, we made sure that there was no people around. The vicinity was clear when we took them for golf, so we were comfortable that that environment is somewhere where they did not contract any positive results. आपको एक्सप्लेन किया था सबको, तो मैं दोबारा जालमी का एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेरन सैमी और वहाब ने बबल को ब्रेक किया था और बाहर आए थे, और बबल में वापस जाने के लिए 3 दिन का आइसोलेशन पीरियड था। वो बबल बाहर आए तो उन्होंने जावेद आफरीदी साहब से मुलाकात की। जब वहाब को और डेरन सैमी को आइसोलेशन में डाला तो फौरन उनका टेस्ट हुआ जो कि नेगेटिव आया। इसी तरह जावेद आफरीदी साहब ने वॉलंटेरली अपने आप को आइसोलेट किया और टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया। जब उन्होंने अपील की इवेंट टेक्निकल कमेटी को तो उन्होंने जो अपील ली वो ये थी कि उस वीक के अंदर उनके 3 टेस्ट हुए थे PCB प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो नेगेटिव थे। जावेद आफरीदी साहब ने आइसोलेशन के बाद जो टेस्ट कराया था वो नेगेटिव था, दोनों प्लेयर्स के नेगेटिव थे। तो उन्होंने सिर्फ ये अपील की थी कि जब नेगेटिव एक ट्रेंड है, सबके नेगेटिव हैं, और आपको ये पता है कि बबल से जब दो लोग बाहर। हाँ तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वहाब रियाज और डेरन समी की वजह से फैला है कोरोना वायरस खिलाड़ियों में? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।